गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आर्यन मॉडल स्कूल ग्रेंगस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। उसी की एप्लीकेशन पर अपने पास एक बेस नया इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, वो भी आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के काम आ रहा था, ये भी आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के काम आ रहा है। मैंने उसी टाइम पढ़ाया था कि जो मीटर ब्रिज है वो भी आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही बेस है, ठीक है। और काम क्या आता है आपके पास, ये भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो मीटर ब्रिज के अंदर आपके पास सेम अपन जो कंपेयर करेंगे वो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ही होगा आपके पास। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज के अपन कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ते हैं। तो मीटर ब्रिज में सबसे पहले अपने पास एक वुडन प्लांक होता है, उस वुडन प्लांक पे आपके पास दो एल शेप की क्या लगी होती है, मेटल की स्ट्रिप लगी होती है। देखो ये दो एल शेप की, एक ये और ये एक ये आपके पास है क्या है, दो एल शेप की मेटल स्ट्रिप लगी हुई है। और इन मेटल स्ट्रिप पे आपके पास ये एक कनेक्टिंग स्क्रू इस वाली मेटल स्ट्रिप पे लगा हुआ है और एक कनेक्टिंग स्क्रू इस वाली मेटल स्ट्रिप पे लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। उनके बीच में आपके पास एक आई के शेप की ये वाली एक और मेटल स्ट्रिप लगी होती है आपके पास में, ठीक है। इस मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक मीटर का एक रजिस्टिव वायर यूज करते हैं। कितने मीटर का, एक मीटर का एक रजिस्टिव वायर यूज करते हैं। वो रजिस्टिव वायर इस वुडन ब्लॉक पर एक स्केल की हेल्प से क्या होता है, कनेक्ट होता है। मैंने क्या बोला, एक मीटर का एक रजिस्टिव वायर आपके पास इस वुडन प्लांक पर आपके पास एक स्केल की सहायता से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये जो ए और सी बिंदु के बीच में लगा हुआ है ये आपके पास क्या है, एक रजिस्टिव वायर है, ठीक है। और ये नीचे क्या लगा हुआ है, एक स्केल लगा हुआ है। ये स्केल भी आपके पास कितना है, एक मीटर का, और ये वायर भी कितना है, एक मीटर का है। मैंने क्या बोला, एक मीटर का वायर आपके पास इस स्केल की हेल्प से ए और सी पॉइंट के बीच में क्या होता है, कनेक्ट होता है आपके पास। और ये बात और ध्यान रखनी है कि ये जो वायर बना होता है आपके पास वो किसका बना होता है, मैग्नीन का, नाइक्रोम का, कॉन्स्टेनन का, क्योंकि इन सब चीजों का आपके पास जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, वो पॉजिटिव तो होता है लेकिन बहुत ही लो होता है, उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लो होता है। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके पास, अगर आपके पास करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस पर बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, जिससे इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसलिए जो ये वायर लेंगे मीटर ब्रिज में, हम किसका लेंगे आपके पास, मैग्नीन का, कॉन्स्टेनन का या नाइक्रोम का, क्यों लेंगे, इसका कारण क्या है, इसका अल्फा होता है वो कैसा होता है आपके पास, नेग्लिजिबल होता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे करंट बढ़ने पर इस वायर रेजिस्टेंस पर इफेक्ट कम पड़ेगा आपके पास, ठीक है। अब इन ए और सी पॉइंट के बीच में आप हमने क्या कनेक्ट कर रखी है, देखो एक आपके पास ईएमएफ का सोर्स बैटरी और एक की कनेक्ट कर रखी है आपके पास, ठीक है। मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर सबसे पहले अपने पास एक वुडन प्लांक होता है, उस वुडन प्लांक पे अपने पास दो एल शेप की स्ट्रिप जुड़ी होती है, इन एल शेप की स्ट्रिप के बीच में अपने पास एक आई शेप की स्ट्रिप जुड़ी होती है, ठीक है। इन स्ट्रिप पे ये आपके पास क्या है, कनेक्टिंग स्क्रू के लिए जगह है, ये वाला भी अपने पास क्या है, कनेक्टिंग स्क्रू या बाइंडिंग स्क्रू जिसे अपन कनेक्शन कर सकते हैं। और इस जो बीच वाली है इस पे आपके पास तीन कनेक्टिंग स्क्रू है आपके पास, है ना। नीचे आपके पास ए और सी पे एक वन मीटर स्केल होता है वुडन का, उसकी हेल्प से अपने पास क्या है, एक वन मीटर का रजिस्टिव वायर कनेक्ट होता है, ठीक है। और इन ए और सी पॉइंट के बीच में एक ईएमएफ का सोर्स और की कनेक्ट होती है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर मैंने क्या बोला कि अब आपके पास दो गैप हो गए, देखो ये आपके पास एल शेप की स्ट्रिप है, ये भी एल शेप की स्ट्रिप है, इनके बीच में ये गैप है। यहां आपके पास क्या है, वुडन है, यहां आपके पास मेटल की स्ट्रिप नहीं है, यहां आपके पास क्या है, वुडन है। तो इस एल शेप की ये कनेक्टिंग पॉइंट है और ये कनेक्टिंग पॉइंट है, तो इन दोनों कनेक्टिंग स्क्रू के बीच में हम क्या जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं। और दूसरे अपने पास राइट वाले गैप में अपन क्या जोड़ते हैं, राइट वाले गैप में हम क्या जोड़ते हैं, एक एस, एस आपके पास क्या है, यहां एक अननोन रेजिस्टेंस है,
मैंने क्या बोला, दो गैप है अपने पास, इन इन दोनों मेटल स्ट्रिप के बीच में जो गैप है, इस वाले गैप के बीच में अपन क्या जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस वाले गैप के बीच में अपन क्या जोड़ते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अब अपने पास क्या होती है, देखो इस पे कुछ आपके पास पॉइंट दिए हैं, उससे अपन समझाएंगे आपको और इससे कंपेयर भी करेंगे। आप देखो मैंने क्या बोला कि इस तरह से ये आपके पास, जब इससे कंपेयर करें ए और बी, ए और बी के बीच में आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, पी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे ही अपन इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, सर्किट क्या होता है, जैसे अपने पास इसको अपन की को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो की को कनेक्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले देखो यहां मैंने आपको बताया यहां तो आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है, यहां नो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो गया और ये वाला पॉइंट कनेक्ट। अब बीच वाले पॉइंट से आपके पास एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, क्या होता है, गैल्वेनोमीटर आपके पास एमीटर की तरह होता है जो करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। इस गैल्वेनोमीटर से आपके पास एक जोकी कनेक्ट होती है, जोकी आपके पास इस पेन के साइड की होती है। ठीक है, इसका इधर से अपन एक वायर कनेक्ट करते हैं और इधर वाला एक इसका एक पेन की तरह जो आपकी टिप होती है उसकी तरह आपके पास शार्प होता है, उस पेन की टिप को या जोकी को अपन इस रेजिस्टिव वायर पर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। मैंने क्या बोला, क्या बोला, इन दोनों गैप के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, इन दोनों गैप के बीच में अपन ने अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब अपने पास एक कनेक्टिंग स्क्रू है, इससे अपन क्या जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से अपन ने क्या कनेक्ट की, एक जोकी, जोकी अपने पास कैसी होती है कि जिसको अपन रेजिस्टिव वायर पर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, पेन के आकार की टिप होती है उसको इस पर ऐसे ऐसे करके स्लाइड करते हैं। ठीक है, और वो स्लाइड करके अपन क्या करते हैं कि स्लाइड करते 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 जब सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो इन ए और सी के बीच में ऐसी पोजीशन आती है जहां पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना हो जाता है आपके पास में, जीरो हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, कहीं ना कहीं आपके पास इसमें करंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो वाली कंडीशन अपने पास कब आती है, अपन ने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके पास कंडीशन कौन सी हो गई, बैलेंसिंग कंडीशन हो गई आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से इसको इस सर्किट से कंपेयर करें तो देखो ये जो ए बी होगा, ये ए बी के बीच में आपके पास क्या है, पी है, तो पी आपके पास कौन सी लेंथ होगी, ये ए बी, तो पी आपके पास एक एक एल लेंथ होगी, एल लेंथ कौन सी होगी, जैसे सपोज करो ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो स्लाइड करते 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 अपने पास 40 सेंटीमीटर में इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आया, जीरो आया, तो वो एल क्या होगी आपके पास, 40 सेंटीमीटर, तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस, एबी पार्ट का रेजिस्टेंस आपके पास किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। ठीक है, और अब एबी के बाद बीसी, बीसी पार्ट कौन सा बचेगा, एबी आपके पास पूरी 100 सेंटीमीटर है, तो एबी आपके पास एल है, तो बीसी आपके पास क्या बन जाएगी, 100 माइनस एल, तो जो बीसी पार्ट का रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास, क्यू के बराबर होगा। और ये R है जो अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपने देखा वो रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो भी रेजिस्टेंस उसमें से निकालते हैं वही रेजिस्टेंस सर्किट पे अप्लाई हो जाता है। 1 ओम का निकाला तो 1 ओम का आपके पास अप्लाई हो गया, 2 ओम का निकाला तो 2 ओम का आपके पास अप्लाई हो गया। ठीक है, और जो S है आपके पास, ये किसको देख रहा है, अननोन रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। देखो AB आपके पास, AB के बीच में ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया, AB पार्ट रेजिस्टेंस P के बराबर हो गया, ये किसके बराबर, AB P के बराबर, BC आपके किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। ठीक है, और ये आपके पास देखो R जुड़ा हुआ है किसके बीच में, A और D के बीच में, तो ये देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये पूरी स्ट्रिप क्या है एक तरीके से है, तो ये पूरा पार्ट, ये भी पॉइंट D है, ये भी पॉइंट D है और ये भी पॉइंट D है, तो A और D के बीच में अपन ने क्या जोड़ रखा है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ रखा है, और देखो C और D के बीच में अपन ने क्या जोड़ रखा है, एक अननोन रेजिस्टेंस, तो C और D के बीच में अपने पास एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। इसको देखें आप, लेंथ ऑफ वायर कितनी दे रखी है आपके पास, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स और आपके पास किस में जुड़ा हुआ है, इस लेफ्ट वाले गैप वन में जुड़ा हुआ है, इसको गैप वन माना, और ये किसके बराबर है आपके पास, इस वाले कंपेयर करें तो इस आर के बराबर है। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस आपके पास गैप टू में जुड़ा हुआ है और ये किसके बराबर है आपके पास, एस के बराबर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एंड जोकी, ये गैल्वेनोमीटर एंड जोकी जुड़ी हुई है आपके पास किसके बीच में, बी और डी के बीच में। देखो बी और डी, बी और डी के बीच में आपके पास क्या जुड़ी हुई है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और एक साथ में क्या जुड़ी हुई है, जोकी जुड़ी हुई है। अब मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए बी आपके पास कितना है, पी, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी सी आपके पास कितना है, क्यू है।
उस सर्किट से पूरा पूरा कंपेयर हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही अपने सर्किट को कंप्लीट किया और इस जोकी को इलेक्ट्रिसिटी वायर पे स्लाइड किया, तो अपने पास क्या आएगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वो अपने पास कौन सी लेंथ होगी, बैलेंसिंग लेंथ होगी। वो कौन सी लेंथ होगी, बैलेंसिंग लेंथ होगी। तो उसको अपन किससे शो करेंगे, एल से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ को अपन किससे शो करेंगे, एल से शो करेंगे। और जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया, तो क्या होता है अपने पास, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये अपन पढ़ चुके थे ब्रिकस्टोन ब्रिज के अंदर। तो अब हमने क्या माना, हमें पास तो L दे रखा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखो, इफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज, आपके पास क्या है, सिग्मा ओम अपॉन मीटर। हमने क्या माना कि आपके पास यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, सिग्मा ओम पर सेंटीमीटर है, सिग्मा ओम पर सेंटीमीटर है। जैसे वही है कि अपने पास एक पेन का मूल्य ₹5 है, तो 20 पेन का मूल्य क्या होगा, ₹100। तो मैंने क्या बोला कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, सिग्मा है। तो एल लेंथ रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, क्योंकि पी किसके बराबर है, एबी पार्ट रेजिस्टेंस, और एबी की लेंथ कितनी है, एल। तो रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट एबी किसके बराबर होगा, सिग्मा इनटू एल, क्योंकि अपने पास बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, एल आई थी, तो सिग्मा को उससे गुणा कर देंगे तो अपने पास इस पार्ट का रेजिस्टेंस आ जाएगा एबी पार्ट का। और रेजिस्टेंस को पार्ट बीसी, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बीसी किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा को अपन किससे कर देंगे, 100 माइनस एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो अपने पास इसमें पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस में अपन वैल्यू रखें। देखो पी की वैल्यू अपने पास कितनी आई, पी अपने पास क्या है, एबी पार्ट का रेजिस्टेंस। तो एबी पार्ट का रेजिस्टेंस अपने पास कितना आया, देखो सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल, ठीक है। क्यू के क्या है अपने पास, एडी पार्ट रेजिस्टेंस, सॉरी क्यू अपने पास क्या है, बीसी पार्ट रेजिस्टेंस। बीसी पार्ट रेजिस्टेंस कितना आया आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बीसी कितना आया, सिग्मा 100 माइनस एल। तो सिग्मा 100 माइनस एल बराबर आर अपॉन एस। आर अपने पास क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, और एस अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन से अपन अगर एस की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगी, 100, सिग्मा से सिग्मा कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या आएगी, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ठीक है, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। अब ये किस तरह से एग्जांपल है, आप समझ रहे हैं इस बात को, 100 माइनस एल क्या हो गया, जैसे अपने स्लाइड करते रहे अपने पास 40 सेंटीमीटर पे अपने पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन क्या आया, जीरो आया। तो एल की वैल्यू क्या रखेंगे, 100 माइनस 40, क्या रखेंगे आप, 100 माइनस 40, ठीक है, और अपॉन में क्या रख देंगे आप, 40 रख देंगे, क्या रख देंगे, 40। और रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपन कोई भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, उसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, भाई 60 अपॉन 40 अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। एक बार आप ओके थोड़ा सा, तो मैंने क्या बताया, जैसे अपने को अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ अपने पास कितनी आ गई, बैलेंसिंग लेंथ सपोज करो अपने पास L बराबर 40 सेंटीमीटर पे अपने पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपने पास जीरो आ गया, और अपन ने जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस निकाला था वो अपने पास कितना था, 2 ओम था, ठीक है। तो S निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 40 अपॉन में 40 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 100 में 60 अपॉन में 40 इंटू 2, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 2, तो अपने पास कितना आ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपने पास 30 ओम आ जाएगी आपके पास, ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं आपके पास। अब इसमें आपके पास एक बात और ध्यान देने को है कि अगर आपके पास मैं क्या कहूं, एस की जगह तो आर ले जाऊं और आर की जगह एस ले जाऊं, मतलब एस और अननोन रेजिस्टेंस आपके पास एस है और रेजिस्टेंस बोथ रेजिस्टेंस आपके पास आर है, तो इन दोनों की पोजीशन अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास क्या होगा। अब देखो इन दोनों की पोजीशन अपन इंटरचेंज कर दूं तो आपके पास क्या होगा, तो इसी फॉर्मूले में देखें आप, इन दोनों की अपन पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो आपके पास देखो क्या होगा कि आपके पास वही एबी पार्ट का रेजिस्टेंस तो कितना है, सपोज करो एल है, ठीक है, इनमें क्या चेंज आएगा, बीसी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 100 माइनस एल, क्योंकि ये पी है और ये आपके पास क्या हो गया, क्यू। अब आप देखें R अपॉन S रखना है, R पे क्या पहुंच गया, आपके पास S पहुंच गया, ठीक है,
और जहां एस था वहां का पहुंच गया आर पहुंच गया। तो अब जो एस की वैल्यू आई क्यों कितना आएगी एल 100 माइनस एल इंटू आर। तो एक क्वेश्चन और है आपके पास, आपके पास एक क्वेश्चन भी है कि आपके पास अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू चेंज कर दे तो आपके पास क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो कि जहां 100 माइनस एल था वहां आपके पास क्या आ गया एल आ गया, और जहां एल था वहां क्या आ गया 100 माइनस एल आ गया आपके पास। ठीक है, तो जो आपके पास एल होगा उसको अपन क्या लेंगे 100 माइनस एल। ठीक है, जो एल था उसको 100 माइनस एल लेंगे, और जो 100 माइनस एल था उसको क्या लेंगे एल लेंगे। देखो ये 100 माइनस एल को क्या लिया एल लिया, और एल को क्या लिया 100 माइनस एल। ठीक है, तो अगर इन दोनों की पोजीशन को अपन चेंज कर देंगे तो अपने पास क्या फर्क आएगा, जो आपके पास बैलेंसिंग लेंथ होगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल हो जाएगी। सपोज करो इस कंडीशन में आपके पास पहले भी अब इन दोनों की पोजीशन चेंज करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ आपके पास 40 सेंटीमीटर आ रही है, तो 100 माइनस एल की जगह अपन क्या लेंगे एल, और एल की जगह क्या लेंगे 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है, तो जो आपके पास अब आपके पास क्या है कि जो आपके पास यहां 100 माइनस एल था उसकी जगह तो अपन ने क्या लेंगे एल लेंगे, और एल की जगह अपन क्या लेंगे 100 माइनस एल लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपन सोल्व कर देंगे, तो एल अपने पास कितना था 40, और 100 माइनस एल कितना है 100 माइनस 40 कितना देगा 60, तो वही अपने पास कितना है 40/60। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए अगर अपन आर और एस की अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, आर और एस की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, तो जो आपके पास एल है वो कितना बन जाएगा 100 माइनस एल बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो चाहे तो इस सर्किट को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इस एस को यहां ले ले और आर को वहां ले ले, तो आपके पास फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा सिंपल से, क्या हो जाएगा सिग्मा एल अपॉन सिग्मा 100 माइनस एल। ठीक है, सिग्मा सिग्मा कट हो जाएगा, आर की जगह क्या पहुंच गया एस, और एस की जगह क्या पहुंच गया आर। तो आर अपने पास अब एस की वैल्यू आएगी अननोन रेजिस्टेंस की, वो क्या जाएगी एल 100 माइनस एल इंटू आर। ये फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है, 5 मिनट में रिकवर करता हूँ। मीटर ब्रिज आपके पास क्या है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मीटर करने का काम आता है, और आपके पास किस पर बेस होता है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस होता है। ठीक है, इसमें भी आपके पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अपने पास एक कंस्ट्रक्शन पार्ट बता रहा हूँ, एक वुडन ब्लॉक होता है, वुडन ब्लॉक पे 2 एल स्ट्रिप की और एक आई स्ट्रिप की मेटल स्ट्रिप लगी होती है। फर्स्ट वाले गैप में अपन एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं, सेकंड वाले गैप में अपन क्या जोड़ते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। ठीक है, और इस वाले स्क्रू से अपन एक गैल्वेनोमीटर से होती हुई अपन क्या करते हैं एक जॉकी जोड़ते हैं, और ए और सी के बीच में अपन एक ईएमएफ का सोर्स और एक की जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग जैसे अपन सर्किट को कंप्लीट करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करने के बाद इस जॉकी को इस रेजिस्टिव वायर पर अपन क्या करते हैं स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड करते हैं तो एक पोजीशन ऐसी आती है जिस पर आपके पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, वो पोजीशन का उस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा आपके पास पी पार्ट पी कहलाएगा, और बाकी 100 माइनस एल आपके पास क्या कहलाएगा क्यू कहलाएगा आपके पास। अगर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपके पास सिग्मा है तो एल लेंथ का क्या होगा सिग्मा एल, और 100 माइनस एल लेंथ का होगा 100 माइनस एल इंटू सिग्मा आपके पास। ठीक है, ये चीज है लेंथ, ये चीज आप पढ़ ले है ना। फिर अपने पास पी अपॉन क्यू इसको आर अपॉन एस लगाएंगे, तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास सिग्मा एल, और क्यू की वैल्यू कितनी है सिग्मा 100 माइनस एल, आर की जगह आर रेजिस्टेंस बॉक्स, एस की जगह अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 100 माइनस एल अपॉन एल इनटू आर। अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो जहां 100 माइनस एल था वहां एल आ जाएगा, और जहां एल था वहां क्या आ जाएगा 100 माइनस एल आ जाएगा। मतलब जब इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं तो जो एल होता है वो क्या हो जाता है आपके पास में 100 माइनस एल हो जाता है। बहुत ही आसान चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी। मीटर स्केल मीटर बीच को मीटर बीच क्यों कहते हैं आपके पास कुछ इसमें एक मीटर का वायर यूज करते हैं नाइक्रोम का और मैग्नीन का वायर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें आसानी से। ठीक, मैंने ये वैसे एक प्रैक्टिकल सर्किट है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा है ना। अपने पास ये प्रैक्टिकल है, आपको 12वीं में जो प्रैक्टिकल होते हैं एक्स्ट्रा उसमें प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, तो वहां जब खुद से आप कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपको वहां अच्छे समझ में आएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, वो अपन कराते हैं। और वैसे मैंने एक इसका छोटा सा वीडियो एड करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे क्या कनेक्ट हो रहा है।
एक क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यू का 9 क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है आपके पास जो डीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर। आपको पता है जो डीरो डिस्पेशन आता है ऊपर क्या लेते हैं एल लेते हैं, ठीक है। तो 100 माइनस एल कितना हो गया आपके पास में, 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां आपके पास एक नोन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कितना 55 ओम का, और यहां आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस आर जुड़ा हुआ है, ठीक। ये आपके पास क्या भी एल और ये क्या बच गई आपके पास 100 माइनस एल। सर्किट बना हुआ है आप देख ले, मैं थोड़ा सा सांकेतिक सर्किट बना रहा हूं आपके पास। तो ये आपके पास कितनी होती है पी, ये आपके पास कितना होती है क्यू, ये कितनी होती है आर, और ये आपके पास कितनी होती है एस, ठीक है। तो अब अपन वही फॉर्मूला लगा देंगे पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, इस पार्ट रेजिस्टेंस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू आपको याद करनी है, आर की वैल्यू अपने पास इस टाइम ये भी आर है ये भी आर है। तो अपन सपोज करो इसको अपन, ये अपने पास आर कौन सा है नॉन रेजिस्टेंस वाला, और ये वाला कौन सा है अननोन, जिसको अपन एस से लिखते थे वो याद रख लिया है ना। तो बी अपॉन ए सी आर की वैल्यू कितनी है 55, ठीक है, और एस की वैल्यू अपन को याद करनी है। तो देखो 20 अपॉन में 80, इसको उल्टा कर लो आसान रहेगा, 80 अपॉन में 20 अपॉन में एस अपॉन में 55, तो ये 4 और 55 को 4 से गुणा कर दोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी क्या, पढ़ दो 220 ओम। तो ये एस की वैल्यू 220 ओम, जो अपने पास यहाँ आर दे रखा था, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 220 ओम आ जाएगी आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक एग्जाम्पल नंबर 6.4 है आपके पास, उसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज अप्लाइंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इन रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं अपने पास वो क्या होता है आर से शो कर रहे थे, वो कितना होता है 8 ओम, जिसको अपन नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द नल पोजीशन, नल पोजीशन या बैलेंसिंग पोजीशन उसे बोलते हैं जहां अपने पास गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन कितना आता है 0। द नल पोजीशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस इज ऑब्टेंड एट डिस्टेंस ऑफ 45.5 सेंटीमीटर। हमें को गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो 0 कहां मिल रहा है आपके पास, वो कितने में मिल रहा है 45.5 सेंटीमीटर पे, उसको अपन क्या बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, जिसपे अपने को नल पोजीशन मिलती है। फ्रॉम द हाइयर पोटेंशियल एंड, जैसे अपने पास ए था, ए से अपने पास ये अपने पास क्या था सी था, तो ये बी था, तो हाइयर से आपके पास कितनी दूरी पे मिल रही है 45.5 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस एल ये वाला होगा, और 100 माइनस एल कितना होगा 45, घटा लेंगे अपन 100 में से तो कितने बचेंगे आपके पास 55, तो 54.5 आपके पास ये है। BC आपके पास कितनी होगी 54.5, इसको अपन किससे लेते थे P से, इसको किससे लेते थे Q से, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, तो आपको जो अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू याद करनी है। देखो फॉर्मूला क्या था P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। P अपने पास कौन सी ले रहे थे, जो आपके पास L आ रहे थे जिसमें नल पोजीशन आ रहा था 45.5 सेंटीमीटर। Q आपके पास कौन सी ले रहे थे 54.5 रेजिस्टेंस ऑफ बीसी पार्ट, आर आपके पास क्या ले रहे थे नॉन रेजिस्टेंस कितना 8, और एस आपको याद ही करना था।
उल्टा कर दीजिए 54.5 और s अपॉन 8। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा s का वैल्यू 9.8 ओम। ये अपने पास 9.8 ओम, एक सॉल्यूशन ये हो गया अपने पास। सेकंड एक पार्ट और पूछ रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज। अगर आपके पास नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर दी जाए, देन व्हाट विल बी न्यू डिस्टेंस ऑफ नल पोजीशन। तो नल पोजीशन हमें कहां मिलेगा, तो हमें नल पोजीशन कहां मिलेगा जब आपके पास नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था, जब नॉन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस को अपन इंटरचेंज करते हैं तो जो एल होती है वो आपके पास, अब जो नई एल मिलेगी बैलेंसिंग लेंथ चेंज करने के बाद, वो कहां मिलेगी आपके पास 100 माइनस एल पर। तो जो अब जो नई बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी इसको अपन एल डैश से लिखेंगे, वो कितनी मिलेगी 100 माइनस कितना बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिलती है अपने पास 45.5। अब अपने पास जो एल हो जाएगी वो कितने पे हो जाएगी अपने पास 54.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना, मैंने क्या बोला था कि जब भी दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे नॉन की और अननोन की, तो जो आपके पास 100 माइनस एल था वो क्या बन जाता है, एल बन जाता है। तो जो 100 माइनस एल अपने पास क्या था 54.5, तो अब जो नई पोजीशन मिलेगी दोनों पोजीशन को इंटरचेंज करने पर वो कितनी पे मिलेगी 54.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है बेटा, देखो बेटा एक क्वेश्चन है आपके पास, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ आपको अननोन रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ नोन रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ आपके पास 40 सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस एल आपके पास कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको पता है जो बैलेंसिंग लेंथ होती है वो अपने पास पी के बराबर होती है क्रिस्टल ब्रिज की आर्म के बाद, और ये अपने पास किसके बराबर होती है, क्यू के बराबर होती है। ठीक है, अब आप एक बात को नोटिस करके रखिए अपने दिमाग में, यदि आपके पास जो अननोन रेजिस्टेंस आपके पास अगर लेफ्ट में है, तो आपके पास जो अननोन रेजिस्टेंस अगर आपके पास लेफ्ट में है तो उसका फॉर्मूला, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 100 माइनस एल आपके पास नहीं सॉरी एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर, आर आपके पास क्या है नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, एल बैलेंसिंग लेंथ 100 माइनस एल ये निकाल लेंगे, कब, जब आपके पास जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कहां है, लेफ्ट में है। अगर अननोन रेजिस्टेंस आपके पास राइट में है तो यही फॉर्मूला आपके पास चेंज किसमें होगा, 100 माइनस एल अपॉन एल इनटू आर, और आर आपके पास क्या है सॉरी यहां आर नॉन रेजिस्टेंस था, आर आपके पास क्या है नॉन रेजिस्टेंस। मैंने क्या बताया, जब आपके पास ये अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट में है तो फॉर्मूला क्या होगा, एल 100 माइनस एल इंटू नॉन रेजिस्टेंस, और राइट में है तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू नॉन रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आया कहां से, जब अपने ये पढ़ा था, देखो सपोज करो अपन ने जो मीटर रीच पढ़ा था तो वहां क्या पढ़ा था, यहां अपन ने आर लिया था और यहां अपन ने एस लिया था, उस टाइम ये क्या था अपने पास में नॉन था और ये क्या था अपने पास में अननोन था। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। ठीक, अब आपके पास पी क्या था, आपके पास एल था, ये क्या था क्यू 100 माइनस एल था, और आर आपके पास क्या था अननोन रेजिस्टेंस था, एस था। तो इसको एस की वैल्यू याद करने के लिए हम क्या कर रहे थे, 100 माइनस एल अपॉन एल बराबर एस अपॉन आर, तो एस बराबर क्या आ रहा था 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ये कब था, जब आपके पास अननोन रेजिस्टेंस था, जो आपके पास कहां था नॉन वाला रेजिस्टेंस आपके पास कहां था लेफ्ट में, और अननोन रेजिस्टेंस कहां था आपके पास राइट में, अननोन रेजिस्टेंस आपके पास राइट में। देखो ये वाली कंडीशन का ये फॉर्मूला आ गया, देखो यही वाला। अब जब अपन ने इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, ये आपको मैं तीन तरीके बताऊंगा, जब इन पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो अब आपके पास क्या आ गया, यहां आपके पास एस आ गया और यहां आपके पास क्या आ गया आर आ गया, मतलब यहां तो आपके पास क्या आ गया अननोन और यहां आपके पास क्या आ गया नॉन।
अब आप देखो इसी फॉर्मूले में P की वैल्यू तो वही L, Q की वैल्यू 100 माइनस L और R की जगह आपके पास क्या आ गया S और आपके पास S की जगह क्या आ गया R, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज हो गई तो अब S की वैल्यू कौन सी आ गई L 100 माइनस L इंटू आपके पास क्या R, कौन सी कंडीशन में जब आपके पास अननोन कहां है लेफ्ट में है ये वाली कंडीशन में ठीक है। और तीसरा तरीका आपको क्या याद रखना है कि जब आपके पास कोई सी भी पोजीशन देनी हो उससे आप दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो जो L होता है वो 100 माइनस L बन जाता है, क्योंकि तो जब अपन लेफ्ट में थे तो लेफ्ट में थे जब अपने पास जो अपने पास मेन मीटर गेज था उसमें अपने क्या ध्यान रखा था कि इधर अपने पास रेजिस्टेंस स्लोप जुड़ रहा था और इधर अननोन रेजिस्टेंस जुड़ रहा था, तो फॉर्मूला क्या था P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, उसमें अपने पास S की वैल्यू आ रही थी 100 माइनस L अपॉन L इनटू R। अब अपन ने R और S की पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो मैंने क्या बताया था जहां आपके पास 100 माइनस L था वहां आपके पास क्या हो जाएगा L और जहां L था वहां क्या हो जाएगा 100 माइनस L, तो ये 100 माइनस L तो कितना बन जाएगा L और जो L है वो कितना बन जाएगा 100 माइनस L इनटू R। इस चीज को आप ध्यान रखें ठीक है, बहुत छोटी सी चीज थी तो इस चीज को ध्यान रखे अपन करेंगे इस फॉर्मूले को ठीक। तो अब जो फॉर्मूला काम में आएगा आपके पास कौन सा आएगा, अब देखें इधर आपके पास क्या था x था, ये आपके पास अननोन था x और ये क्या था आपके पास pm नोन, ये क्या था अननोन और ये क्या था नोन ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा जब अननोन आपके पास जब s आपके पास कहा हो लेफ्ट में हो अननोन आपके पास लेफ्ट में, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो l की वैल्यू कितनी 40 100 l माइनस 60 और r की वैल्यू कितनी दे रखी है नॉन की 3 ओम 0 2 2 नी 4 2 3 6 ठीक है। 3 से आपके पास 3 कट जाएगा तो आपके पास कितनी आएंगी 100 आएगा 20 2 नी 40 सॉरी और 20 3 60 3 से 3 कट गया तो आपके पास कितना आएगा ये 2 ओम आ जाएगा आपके पास ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसमें एक चीज और याद करा रहा है वो कि आपके पास रेजिस्टेंस ऊपर यूनिट लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज इज 1 ओम पर सेंटीमीटर, यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो कितना दे रखा है 1 ओम पर सेंटीमीटर ठीक है। तो आपको याद करना है इसके अंदर करंट की वैल्यू आई की वैल्यू याद करनी है ठीक है। अब देखो जब यूनिट लेंथ का कितना है 1 है तो L का कितना हो जाएगा L इंटू 1, तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 इंटू 1 कितना आ जाएगा 40 ठीक है। और आपके पास इसका कितना आ जाएगा 100 माइनस L का 100 माइनस L इंटू आपके पास यूनिट का कितना है 1 तो कितना है 60 इंटू 1 आपके पास 60 ओम। तो इस पूरी यहां से सपोज करो A माने और इसको C माने तो ये माने अपने पास पे इस पूरी आर्म का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया आपके पास 40 प्लस 6, तो इस पूरी आर्म रेजिस्टेंस आ गया 40 प्लस 60 100 ओम है ना। तो अब आगे देखें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 2 ओम, तो x की जगह आपने 2 ओम रख दिया 3 ओम ये पहले दे रखा था। अब नीचे वाली L के लिए रेजिस्टेंस कितना आया आपके पास 40 ओम और 100 माइनस L के लिए कितना आया आपके पास 60 ओम। इससे एक बैटरी और जुड़ी हुई है नीचे 6 वोल्ट की, ये नीचे अपने पास प्लस माइनस 6 वोल्ट की एक बैटरी और कनेक्ट है, करंट आपसे याद करवा रहा है। देखो अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन से सोल्व करेंगे 2 और 3 कितने हो गए आपके पास 5 ओम ठीक है, और नीचे कितना हो गया आपके पास 60 और 40 कितना हो गया 100 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, इस 100 से आपके पास कितना प्लस माइनस 6 वोल्ट जुड़ा हुआ है आपके पास ठीक है। अब आपके पास 5 और 100 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 और 5 प्लस 100 तो 500/105 500 अपॉन 105, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास आर इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस की। I याद करना है तो I क्या होता है V अपॉन में R, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 500 अपॉन 15, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 1.26 एम्पियर आ जाएगा करंट की वैल्यू ठीक है बेटा। थैंक यू।